तो फाइनली दोस्तों लाइट लग चुकी है और अब मैं जा रही हूँ नीचे, आपको लाइट दिखाती हूँ कैसी लग रही है हमारी लाइट। ठीक है, ये तो बदमाश हो गया ना, ये बहुत घूमने लग गया इधर उधर, पिटाई लगाऊंगी आप। कल एक छोटी सी पूजा रखी थी घर में, जिसकी वजह से सोफे मेरे को यहाँ रखने पड़े, तो अभी तक सोफे यहीं हैं। ये इसलिए रहे क्योंकि मेरे से ये रखे जाते हैं, खुशी की वजह से रखे हैं। खुशी कब आएगी कॉलेज से, कब रखेगी। तो फाइनली जैसे तैसे सोफे मैंने बाहर रख दिए हैं, अब मैं पी लेती हूँ थोड़ा सा दूध, एनर्जी ड्रिंक। तो आज मैं हूँ काठगोदाम बैंक में दोस्तों, और यहाँ पर है एक बहुत ही प्यारा सा पेड़ था, बहुत खूबसूरत सा बड़ा सा पेड़ था विशाल, और इसकी आजकल खुदाई चल रही है। तो पेड़ की देखिए जैसे खुदाई हो रही है यहाँ पर, और ये पेड़ अब जाएगा हल्दीचौड़, ऐसा बोल रहे हैं यहाँ के आस पास के लोग। अंकल जी बैठे सामने, वो बता रहे थे। तो ये है काठगोदाम चौराहे, और मैं हूँ अभी स्टेट बैंक काठगोदाम में। बहुत बड़ा पेड़ था ये, अब तो ये काट दिया है, बस कुछ ही इसके टहनियाँ बची हुई हैं। तो अभी ये पेड़ हल्दीचौड़ जा रहा है, ऐसा बोल रहे हैं। दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक बार न्यू ब्लॉग में। मैं हूँ जानकी जोशी, हल्द्वानी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हुई है शाम के 4 बजे से, और आज ना मैं बहुत दिनों बाद ब्लॉग बना रही हूँ, यानी और आज है 24 तारीख। तो अभी 4 बजा है और मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, और आज दिन में खाना नहीं खाया, जस्ट अभी मैं झोली भात खा के आई हूँ, दिन में नहीं खाया था मैंने, और अभी खा के आई हूँ 4 बजे का भात। अभी पचेगा नहीं पचेगा जो होगा। और अभी लग रही है मेरे घर में लाइट, तो जो दिवाली वाली दिवाली वाली जो लाइटिंग होती है वो लगने लग गई है। मैंने इस बार पूरा किराए में दे दिया, अपन का लगाओ भाई, माला लाओ लगाओ उतारो, ये सब बवाला होता है। तो मैंने कहा टोटली सब उसमें दे देते हैं रेंट पे, तो वो दे रखा है मैंने, और लगाने वाले भी आ गए हैं, छत में लगाने लग गए हैं, सामने इसमें दिख रहा है कैमरे में। तो मैं भी जाती हूँ छत में, देखती हूँ कैसा कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, आपको भी दिखाऊँगी। ठीक है, बने रहें आप। तो फाइनली एक साल का इंतज़ार ख़त्म हुआ और दीपावली आ गई है दोस्तों। तो यहाँ पर मेरी लगने लग गई है दीपावली की माला, मस्त मौसम हो रहा है और लगाने में लगे हैं। लाइट लगी थी अभी तक जो है वो पूरी नहीं हो रखी है। तो फाइनली दोस्तों लाइट लग चुकी है और अब मैं जा रही हूँ नीचे, आपको लाइट दिखाती हूँ कैसी लग रही है हमारी लाइट। ठीक है, चलिए मेरे साथ नीचे। हाँ आ रही, एक मिनट। क्या वो बेल, और बेल भी लग गई है मेरी, अभी दिखाती हूँ आपको मेरी लाइट कैसे लग रही है नीचे जाके। थोड़ी देर पहले ही काम पूरा होके भैया गए हैं घर को, और मैं नीचे आके देख रही हूँ कि कैसी लग रही करके। ठीक है, आपको भी दिखाते हैं, चलिए बने रहे। बस आ गए हैं नीचे, तो ये है हमारी लाइट, ब्लू वाइट का कॉम्बिनेशन, सुंदर सा ब्यूटीफुल सा, बहुत सुंदर लग रही है ये देखिए। और थोड़ी मैंने ऊपर ऊपर लगा रखी है बाकी फ्रंट में, ये देखिए यहाँ पूरा नीचे तक। तो ये रही लाइट्स, सुंदर लग रही है। अभी किसी की लगनी है, एक हमारी लगी है बस, अब लग जाएंगे कल से सबकी लाइटें। तो आज तो 24 तारीख है और मेरी लाइट बहुत जल्दी लग गई है। हाँ कहाँ तो दरवाजा पीछे कोने में, दरवाजा किसी खोला फिर वो तूने खोला होगा, गिरा तो कल से भी नहीं गिरता है। ये तो बदमाश हो गया ना, ये बहुत घूमने लग गया इधर उधर, पिटाई लगाऊंगी आप। तो आज 24 तारीख है और हमने फटाफट से लगा दी है माला, क्योंकि इस बार मैंने सब रेंट में दे दिया और मेरे हाथ का कोई काम नहीं, क्योंकि मैं कब लगाती कब क्या करती, मैंने कहा भाई छोड़ो रेंट में दे दो, लगा भी जाएंगे उतार भी ले जाएंगे, सब हटेक सब उनका ही रहा। तो ये था, चल नीचे चल, चल नीचे उठाए आऊँगी, देना भाग बाहर लग गया वो, इधर को दौड़ गया। हाँ हाँ हाँ, तो बेल भी लगा दी, बेल खराब हो गई थी, नई बेल लेके आई हूँ, आवाज़ आ रही है, वो बेल भी लग गई है मेरी। अब मुझे करना है बहुत सारा काम। तो ये देखिए सब बर्तन पड़े हुए हैं, अब मैं ये बच्चों ने खाना खाया होगा अभी, तो सब ऐसे फैला के रख दिया है दोबारा से, अब इसको सब समेटती हूँ और बर्तन मांजती हूँ, उसके बाद खाना पीना बनाती हूँ। उससे पहले मैं जला देती हूँ फटाफट से दिया, और टाइम भी हो गया है 7 बजे, 7 बजे है करेक्ट, तो 7 बजे है। अब मैं दिया जलाती हूँ और फिर बनाती हूँ खाना पीना। कल एक छोटी सी पूजा रखी थी घर में, जिसकी वजह से सोफे मेरे को यहाँ रखने पड़े, तो अभी तक सोफे यहीं हैं। ये इसलिए रहे क्योंकि मेरे से ये रखे जाते हैं, खुशी की वजह से रखे हैं। खुशी कब आएगी कॉलेज से, कब रखेगी, इसकी वजह से
अभी तक नहीं रखे हैं। ये कमरा पूरा भर रखा है देखो। अब बताओ कहाँ से जाएं, कहाँ से क्या करें। ये पैर रखने के लिए जगह नहीं है भाई, ऐसे नांग के जाने पड़ेगा। वो तो किसको अब मैं करती हूँ पूजा, फिर उसके बाद बनाते हैं खाना। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज व्लॉग का है दूसरा दिन, अर्ली मॉर्निंग, और अभी बजे हैं 6 सुबह के, बजे हैं सुबह के 6 और 5 बजे उठ जाना होता है, स्कूल टाइम चल रहा है। तो बच्चे जो है वो स्कूल भी चले गए हैं, बच्चों का नाश्ता वास्ता टिफ़िन तैयार करके उनको भेज दिया स्कूल। अब मैं अपनी कर रही हूँ तैयारी, मैंने चाय अभी पानी भी नहीं पी रखा है, जस्ट अभी पानी गर्म करके रखा हुआ है, तो पानी पीती हूँ उसके बाद चाय बनाऊँगी, फिर सासू माँ के साथ बैठ कर चाय पीऊँगी। और यही चल रहा है, मॉर्निंग हो रही है, तो सासू माँ के साथ मस्त चाय पी के फिर मैं आ गई थी सीधे छत में। और आज मैं छत में आई थी पेड़ों में पानी डालने के लिए, तो देखा अंदर गेहूं का कट्टा मैंने कब से रखा हुआ था, तो मैंने कहा आज इनको भी धो देती हूँ क्योंकि अच्छे से धूप आई थी, तो गेहूं धो दिए, तो उसकी चौकीदारी मेरी हो रही है कैमरे से। और उसके बाद फिर मैं लग गई हूँ अपने सोफ़े बाहर लाने में, तो सोफ़े जो हैं बहुत ज़्यादा भारी हैं और अकेले लाने में ना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, तो मैं इनको बड़ी मुश्किल से खिसकाते खिसकाते ऐसे करके लेके आई, क्योंकि बच्चे तो घर में है नहीं, बच्चे सब स्कूल कॉलेज गए हुए हैं, तो मैं इनको धीरे धीरे ऐसे खिसका के लाई। उसके बाद फिर मैंने पहले चेयर लाई दो, उसके बाद पहले टेबल लाई, टेबल रखा, उसके बाद चेयर लाई दो, चेयर रखी, अब लास्ट में सोफ़ा लाके इसको रख रही हूँ और क्या कहते हैं इसको लगाऊंगी। उसके बाद फिर मैं सोफ़े के कवर भी बिछाने हैं, क्योंकि जब मैंने सोफ़े उठा के यहाँ से अंदर रखे थे खुशी ने, तो तब जो है सोफे के कवर निकाल दिए थे। उसके बाद फिर मैंने वॉश करके रखे हैं और वो भी सोफे में ही पड़े हैं, तो इसके बाद अभी मैं इनको खिसका के रखती हूँ अच्छे से, और तब फिर इसके बाद इनको मैं बिछाऊंगी। तो बोलते बोलते मैं गड़बड़ भी हो जा रही है, और फिर ये सोफे के कवर बिछाऊंगी तो ये काम भी आज हो जाएगा, बाकी फिर साफ़ सफाई करनी है वो करेंगे। तो जैसे तैसे ये मैंने खिसका है, लेकिन कमर मेरी बिल्कुल ही हालत ख़राब हो गई थी। तो फाइनली जैसे तैसे सोफे मैंने बाहर रख दिए हैं, अब मैं पी लेती हूँ थोड़ा सा दूध, एनर्जी ड्रिंक यानी कॉफ़ी, तो कॉफ़ी पीती हूँ, उसके बाद फिर मैं करती हूँ झाड़ू पोछा। मेरे चश्मे में पूरा पानी चले गया है, इसकी वजह से मुझे कैमरे में कुछ नहीं दिख रहा है, और अभी नहाया नहीं है। इसके बाद फिर नहाऊँगी, पोछा लगाऊँगी, और सुबह से ठंडा जैसा लग रहा था, अभी ये काम करते करते मैं थोड़ा सा गर्मी से आ गई है, और एक कॉफ़ी पी के फिर थोड़ा सा एनर्जी आ जाएगी फुर्ती। तो उसके बाद फिर मैं सुबह के कवर बिछाती हूँ, पोछा लगाती हूँ, फिर नहाती हूँ, फिर और काम करते हैं। तो दिवाली बिल्कुल सामने है, 2-3 दिन बाद मालाएं जो है वो बाहर लग चुकी हैं, और सफाई जो है अंदर की बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, कभी कुछ ऐसी रह गए। और अब मैं आज जो है पूरा दिन फुल सफाई में करूँगी, और बहुत सारे काम भी करने हैं, सफाई करनी है, और कपड़े वड़े सुखाने का काम मैं करूँगी दिवाली के बाद। अभी अगर इस काम में लग जाऊँगी तो सफाई नहीं हो पाएगी, तो दीवान रह जाएंगे, बाकी जो अंदर की सफाई है वो पूरी हो जाएगी, पर्दे वगैरह धुल जाएंगे, तो बाकी का काम होगा दीवानों का दिवाली के बाद। तो अभी मार्केट से भी बहुत सारे काम हैं दिवाली के, भाई सभी कुछ खुद ही देखना होता है, आप जानते हैं कितना काम होता है, और घर का क्या काम नहीं होता है, तो लोग तो इतने सारे लोग थके रहते हैं, मैं अकेले ही लगी रहती हूँ, तो क्या करें, लगना भी पड़ता है। तो फिलहाल पी लेते हैं दूध फटाफट से। तो फाइनली दोस्तों ये देखिए मैंने सारे कवर भी बिछा दिए हैं, और कुशन मैंने बाहर नहीं रखे हैं क्योंकि ना बच्चे जहाँ तहाँ फेंक देते हैं, वो मैंने अंदर रखे हुए हैं, नहीं तो गंदे हो जाएंगे दीपावली तक। और ये सोफे के कवर बिछा दिए, चटाई बिछा दी, तो यही कमरा हमारा ज़्यादा मतलब इसमें ही रहती है गौज क्यों, और पोछा भी लगा दिया है। अब बाकी अंदर ताज़ा बाजा करती हूँ, उससे पहले नाश्ता करती हूँ, माधु को खिला के आ गई, आधी रोटी उन्होंने खा ली है, बाकी अब मैं खाती हूँ मट्ठा रोटी और हरी सब्जी। तो फाइनली दिन का लंच भी तैयार हो गया है, दाल चावल और मूली का सलाद, और मस्त अरहर की दाल और चावल बन गई है, और अब हम करेंगे लंच। और इसी के साथ आज का व्लॉग भी एंड करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। तो दिवाली की सफाई में लगते हैं, आज मैंने थोड़ा बहुत बड़ी बनानी है, और ये मूली का टपकिया भी है, मास्त वाला खाते हैं, अचार भी खाएँगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।